मैंने बोला था जहाँ पे पहले कनक होती थी, गेहूँ होता था, गेहूँ काटा गया है। ये पूरी सख्त जमीन है जिसको बोलते हैं कि पूरी जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी वाली सख्त। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज हम पहुँचे हैं पंजाब में फिर से एक बार किसानों की के लिए नई पेशकश लेकर। और ये आज हम आपको दिखाएंगे जो राजा इंटरप्राइज है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी आपको अटैचमेंट दिखाई देगी, तो पहले अटैचमेंट आप देखिए, उसके बाद हम पूछेंगे जो संजीव राजा जी है उनसे बात करेंगे कि अब वो किसानों के लिए क्या नया लेकर आए हैं, किसानों के लिए क्या नया करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद है संजीव राजा जी। राम राम सर। राम राम, नमस्कार। सबसे पहले पूरे देश के किसान भाइयों को मेरा नमन और उनको नमस्ते, सबको राम राम जी। तो सर, आज किसानों के लिए क्या नई पेशकश लेके आए हो? किसानों के लिए पेशकश तो वही है जी जो पहले करते आ रहे हैं, मॉडल R111 जो कि हमारा फेमस मॉडल है, लाखों किसानों के पास ये ऑलरेडी चल रहा है। इसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं और सुधारों के साथ इसको इस प्रकार से किए गए, जितने सुधार किए हैं पैसे नहीं बढ़े हैं, पैसे उतने ही लेंगे, ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम, पैसे उतने ही लेंगे। लेकिन इसमें सुधार जो हुए हैं मैं वो आपको बता दूँ। ये मेरा सेल्फ वाला मॉडल है R111, इसमें टर्बो इटालियन 7.75 का इंजन लगा हुआ है। पहले अकेला स्टिकर रहता था, अब यहाँ पे ये इनग्रेव रहेगा एस राजा इटली 7.75, और इसका चेसी नंबर जिसे बोलते हैं ना, जो कोई भी गाड़ी होती है चेसी नंबर साथ में रहेगा। और इसमें ये बार कोड लगा हुआ है, बार कोड को आप खोलेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा इसमें कौन से पुर्जे लगे हैं, कल पुर्जे लगे हैं, कैसे ये बनता है, कैसे ये तैयार होता है, सारी डिटेल निकल के सारी डिटेल निकल आएगी। और ये सेल्फ माडा मॉडल होने के कारण यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ है। उसके बाद जब मैं गेयर की बात करूँ, आमतौर पर ये छोटा गेयर लगा होता है, जहाँ पे जो गेयर हांडी है ये बड़ी कर दी गई है, जो शाफ्ट है ये 32 mm की कर दी गई है, पहले ये 24 mm की आती थी। उसके बाद टायर भी है जो आगे लगा दिया गया है, पहले ये विदाउट टायर आता था। जो टायर भी है वो इतना हैवी कर दिया गया है कि किसान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और ये टूटे ना। उसके बाद जो ये गेयर बॉक्स है इस पर भी एस राजा इनग्रेव रहेगा, ऐसे नहीं है अभी गेयर बॉक्स उठाया और लगा दिया, एस राजा इनग्रेव रहेगा। और ये गेयर बॉक्स भी बड़ा कर दिया गया, इसमें जो गेयर ऑयल पड़ता है वो कम से कम 2 लीटर पड़ता है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ये मगराड भी है, इस पर भी एस राजा इनग्रेव किया गया है। मेरा नाम संजीव राजा है, जो मेरे नाम से ही मार्का चल रहा है, इसीलिए एस राजा हर जगह पे इनग्रेव करवाया गया है, ताकि मेरे किसान को पता चल सके भी बाज़ार में कोई डुप्लीकेट तो नहीं बेच रहा है या असली कौन बेच रहा है। चाहे सेल्फ वाला मॉडल है चाहे बिना सेल्फ के मॉडल है, सभी में एस राजा इनग्रेव होके आपको मिलेगा और ओरिजिनल की आपको गारंटी मिलेगी। उसके बाद इसमें जो एयर क्लीनर लगाया गया है, ये सैंडी एयर क्लीनर लगाया गया है, कितनी भी धूल मिट्टी उड़ती है, मान लीजिए किसी ने शरारत करके इसमें धूल मिट्टी डाल दी, फिर भी ये चलेगा, इसकी जो धूल मिट्टी है वो अंदर नहीं जाएगी। इसमें जो सलेंसर लगाया गया है, ये वाटरप्रूफ सलेंसर लगा दिया गया है, अगर ये बारिश में चल रहा है रोटावेटर, जितनी मर्जी बारिश हो जाए तो बारिश में भी ये बंद नहीं होगा। और इसमें जो लाइट है, लाइट का प्रोविज़न इतना अच्छा है, इसकी लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा है, और इसकी एमरजेंसी लाइट जहाँ ऊपर दे दी गई है तो जहाँ पर भी इसकी सुविधा कर दी गई है। आमतौर पे क्या होता है, जो जो गियर है वो जहाँ पे ऐसे डंडी वाला लगा होता है, जैसे ये डंडी लगी हुई है, अब हमने जो गियर है ये ऊपर कर दिया है, जैसे गाड़ी में होता है, इसको हम इसे तो इस प्रकार चलाएंगे और ये गियर ऊपर नीचे हो जाएगा। और इसके बाद जो जो टायर लगाया गया है, जो बड़े वाला टायर लगा दिया गया है, टायर भी इस प्रकार का है, इसमें जो गुड्डी है वो ट्रैक्टर के जैसे बनाई गई है, हैवी टायर किया गया है, रेडियल टायर किया गया है। उसके बाद जो जो ब्लेड लगे हैं, जे EN के पहले लगते थे, अब MSEN9 और साथ में 534 के जो है आयरन यूज़ किया जाता है, जिससे ये ब्लेड है ये 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल तक ये बड़े आराम से चलेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे किसान को अब समस्या का समाधान कर दिया गया है, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ आपको, इसमें जो इंजन लगाया गया है, ये 8.5 HP का इंजन लगाया गया है, इटालियन टर्बो। इस इंजन को पहले से बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, जो मैंने इंग्रेविंग दिखाई है वो तो हुई हुई है। उसके बाद इसका टैंक है, इसका पिस्टन है, इसका लाइनर है, इसका ब्लॉक है, हर चीज़ इसमें चेंज कर दी गई है, इसका एयर क्लीनर है, सलेंसर है, हर चीज़ में इसमें प्रावधान कैसे कर दिया गया कि मेरे किसान को बाइक को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। एक यहाँ पर सील लीक करने की प्रॉब्लम रहती थी, जो पहले काफ़ी ज़्यादा रहती थी सील लीक होने की, यहाँ पर हमने डबल सील कर दी है, जिससे वो लीकेज है वो बिल्कुल हमने बंद कर दी है।
मतलब सर ऐसा कर दिया कि किसानों को कोई परेशानी, किसानों को प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जी। अच्छा। इसको इस प्रकार से बना दिया गया है R111 मॉडल, जो दो प्रकार का मेरा पास यहाँ पे रखा है, जे R111 बिना सेल्फ के है और जे R111 सेल्फ के साथ है। पेट्रोल में है जी, पेट्रोल में है जी जी जी। तो सर मैंने बहुत सारी अटैचमेंट देखी है जी, तो मैं डेमो लेना चाहूंगी इसका। बिल्कुल डेमो देंगे, डेमो आपने आपकी पसंद से नहीं होगा, आपकी पसंद से करना चाहते हैं। जो मैं बोलूंगी वही उसी, जो आप बोलेंगे वो मैं अटैचमेंट यूज करूंगा। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जहाँ पे जो अटैचमेंट लगी है, ये 25 से 28 अटैचमेंट लगी है, ये 25 से 28 अटैचमेंट नहीं है मेरे पास, मेरे पास 45 अटैचमेंट है। वो सारी आज आ नहीं सकी जहाँ पे, क्योंकि तैयार नहीं थी। जहाँ पे 28 से 25 अटैचमेंट लग चुकी हैं, 45 अटैचमेंट है मेरे पास। जब भी कस्टमर ने हमसे ये मशीन लेना है, आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजें, हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सी मशीन लेना है। साथ ही हम PDF की फाइल भेजेंगे, वो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी भी जो लेनी चाहते हैं। साथ में कौन सी अटैचमेंट आती है सर? साथ में कोई अटैचमेंट नहीं जी, वो मैं आपको घोषणा जो रेट किया वो सारे वीडियो के अंत में आपको करके दिखाऊंगा जी। तो सर एक बार हो जाए डेमो? बिल्कुल डेमो जी, डेमो के लिए तैयार है। तो काला भाई आओ जरा डेमो करिए। आप सर 45 अटैचमेंट बता रहे हो, 45 में से 5 के दे दो डेमो। 5 डेमो हो जाएंगे जी, जो जिसको आप हाथ जिसको आप हाथ लगाएंगे वो डेमो हम कर देंगे। ठीक है सर। और मैं एक बात और बताता हूँ, जिसको भी हाथ लगाइएगा, जो छोटी बड़ी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना बात जरूर करूंगा कि आपको जब ये डेमो दिया जाएगा आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा भी रोटावेटर में इसके इंजन में कितनी जान है, इसके ब्लेडों में कितनी जान है, इसके गियर में कितनी जान है। आपको हर चीज की जानकारी पूरे विस्तार से दी जाएगी। तो सर स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे ब्लेड देखे थे इसके जी, जो जी, तो जी, मैं जी। उन्हीं से डेमो लेना चाहूंगी, पहले आपको दिखा पहले देती हूँ। से ही तैयार करते हैं तो आपको दिखा देती हूँ सर मैं पहले कैसे लेना चाहूंगी। यहाँ से करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल और इन ब्लेडों से शुरुआत प्रबंध है जो पहले से ही करना चाहिए। आपने जो बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है चूज किया है, आमतौर पे अगर आप ना भी बोलते जो हमने फिर भी आपको दिखाना था, सबसे पहले रोटावेटर के ब्लेड ही आपको चेक करके दिखाए जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आप जितनी अटैचमेंट पड़ी है जिसको भी आप हाथ लगाएंगे वो अटैचमेंट आपको चला के इस डेमो में दिखाई जाएगी। चलो सर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद कौन सी अटैचमेंट। आपको नाम भी बताना सर, क्योंकि मेरे को बिल्कुल, तो अटैचमेंट का बिल्कुल, पता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, तो ये सर एक ये मेरे को अलग प्रकार के लग रहे हैं। ये आज तक किसी भी वीडियो में नहीं चले हैं, इसको स्टोन रिमूवर बोलते हैं। जैसे जमीन पथरीली हो या बहुत ज़्यादा हार्ड हो, काली मिट्टी वाली जमीन हो, कई कई राज्य में ऐसी जमीन होती है जहाँ पे कुछ भी बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं जो वो काम नहीं करते, ये वहाँ पे अटैचमेंट काम करती है, इसे स्टोन रिमूवर के नाम से जाना जाता है। तो सर दूसरे नंबर पे ये दिखाना है और नंबर पे जो लास्ट में है 5 वाला कल्टीवेटर। हाँ, कोई बात नहीं है जी, 5 वाला आपको कल्टीवेटर भी दिखाएंगे और तरीके से कैसे चलता है, सलीके से कैसे चलता है वो भी आपको पता चल जाएगा। सर मैंने 5 का नाम लिया तो अभी 3 ही हुए। ना 5 का नाम लिया है, आप करिए और क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक ये सर इसका नाम भी बताइए। ये सबसे बड़ा जो है ये मेड मेकर है, सबसे बड़ा मेड मेकर है, जो दोनों तरफ मिट्टी भी लगाता जाता है और साथ में ये इसमें मेड मेकर का काम भी करता है। ये इस प्रकार से बेड बनाएगा कि आपको पता चलेगा भी बेड किस प्रकार ये बना हुआ है। सर 4 हो गए, एक बाकी रहती है। बोलिए आप कौन सी करना चाहते हैं। सर देखो ये तो सारी ब्लैक वाली होगी, मेरे को एक ये ग्रीन वाली। ग्रीन वाली। हाँ। इसे डबल प्लाव बोलते हैं, पहले सिंगल प्लाव होता था, ये डबल प्लाव है, जो दो इसमें ये कांटे लगे हुए हैं, जो इस प्रकार से क्यारी बनाएगा और मिट्टी लगाएगा कि आपको मजा आएगा देख के। तो सर ये 5 अटैचमेंट मेरे को चला के बिल्कुल चलाएंगे जी, बातें बाद में करेंगे। बिल्कुल आयो ये काला भाई, जरा हम डेमो दें जी, 1 मिनट पूरा। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। टायर निकालने हैं, रोटावेटर के ब्लेड डालने हैं और 2 पिन करनी है। टायर निकालने के लिए भी 2 पिन है और डालने के लिए भी 2 पिन है। आपके सामने हो रहा है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सारा 15 सेकंड में गया जी। ना चलो शुरू है प्रियंका। तो सर ये पहली ही रस्सी में स्टार्ट होगा, पहली रस्सी में मेरे किसान भाई के घर में जाके भी ये पहली रस्सी में स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके उनको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आएगी। बैटरी इसमें लगी हुई थी, सेल्फ लगी हुई है, फिर भी मैंने इसको रस्सी से स्टार्ट करवाया है। कई कस्टमरों को ये होता है कि सेल्फ वाला ले लिया, रस्सी से स्टार्ट होगा या नहीं। ये रस्सी से भी स्टार्ट होगा, सेल्फ से भी होगा, हर चीज़ से होगा। तो छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, आप भी इसे पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कंपन है या नहीं है। बिना कंपन के, बिना किसी बात के ये बड़े आराम से चलेगा। मैं तो बोलूँगा 1 मिनट के लिए आप पकड़ के चला के देखिए। मैंने बोला था जहाँ पे पहले कणक होती थी, गेहूँ होता था, गेहूँ काटा गया है,
ये पूरी सख्त जमीन है, जिसको बोलते हैं कि पूरी जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी वाली सख्त जमीन होती है ना, उसी प्रकार से ये सख्त जमीन है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किसने किस प्रकार इसका चूरा किया है, कितनी गहराई तक ये जाएगा। ये देखिए किस प्रकार चूरा, सारी जड़ें बाहर आ गई हैं, ये जड़ें बाहर हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी जड़ें बाहर आ गई हैं। जहाँ पे कनक का वो था, ये सारी जड़ें बाहर है। देखिए साथ में कनक जहाँ पे लगी हुई है, ये कनक है, और इसको मिट्टी को ऐसे कर देगा जैसे कि ये बिल्कुल चूरा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल चूरा हो गया है। और सर ये दबता नहीं है गिल्ली मिट्टी में? अरे भाई साहब, गिल्ली मिट्टी और कोई भी हो, ये दबेगा नहीं। चलाओ जी इसको, और हर एक मिट्टी पूरे अंदर तक चलाइए, और इनको दिखाइए भी ये किस प्रकार चलता है। अरे भाई दो आदमी ऊपर आ जाओ, आके दिखाओ। हाँ दिखाओगे, दब के रहा, दब जाएगा क्या? हमने मेरा पट्टा है, दब। अरे अगर दब गया तो चिल्लर बेचना बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि सर हमने क्या मेरा दबा है कि नहीं दबा। अरे भाई देखिए, अभी देखिए आपको डेमो दिया जाएगा। एक और आ जाओ, एक बंदा दबा दे पूरा, बंदे बिठाओगे तो फिर दब जाओगे, दबा दे इसी जगह से, बंदे लागो पूरा, ये पूरा नीचे तक जाएगा। आपको पता चलेगा अभी कितना नीचे तक जाएगा, इंजन के मगराट हैं वो नीचे तक चले जाएंगे। इसकी गहराई का आपको अभी दिखा देता हूँ। पूरा गुट गुट हो गया। अरे फाड़ के रख देगा जमीन को, जे इसमें इतना कम है, 7.5 लीटर दो में कोई भी इसका मुकाबला कर दे तो मशीन फ्री दे दूंगा। चलिए आगे भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन को फाड़ने वाला ही काम है जी। बिल्कुल सही है, और एक हाथ से चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक हाथ से चलेगा, दो आदमी ऊपर बैठे हैं, कोई लोड नहीं है इंजन पे। आवाज देखिए इंजन की कितनी स्मूथ है, प्यार से चल रहा है, मजा आ रहा है अभी चलता है जी। अभी सर वो दूसरी अटैचमेंट लगवाइए, अभी लीजिए, अभी अटैचमेंट आपने स्टोन एंड मूवर बोला था, स्टोन एंड मूवर ही आ रहे हैं, और उसको बदलने का भी वही साधन है। अकेला आदमी 1 मिनट, अगर 3 आदमी है तो 15 सेकंड। सेम प्रोसेस है जी। इसे बोलते हैं स्टोन एंड मूवर, और जहाँ पे पत्थर नहीं है वहाँ पर इसको बोलते हैं मिट्टी का गोबर बनाना। अब ये मिट्टी का गोबर बना देगा, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट जी। ये मिट्टी का बिल्कुल गोबर बना रहा है, और आपको इसकी मैं नाप के डूंगाई है जो इसकी भी कितनी नीचे तक ये जा रहा है, आपको सारा भी दिखाऊंगा। देख लेते हैं सर एक बार। ये तो सर काफी नीचे तक होता है। अरे काफी नहीं जी, काफी ज्यादा नीचे तक हो देगा, 8 इंच बिल्कुल सर। और जमीन की जो ये है सारी जड़ें बाहर आ गई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जाल बिछा होता है नीचे, देखिए बिल्कुल सर सारी मतलब मिट्टी को खदेड़ सारी मिट्टी खदेड़ देता है, और जड़ें सारी बाहर आ जाती हैं, कोई समस्या नहीं। और मिट्टी का जो चूरा कैसे बनाता है ये आपके सामने है। तो सर अब तीसरी अटैचमेंट हो जाए? बिल्कुल तीसरी चलेगी। अब ये आपने जो बोला था 5 वाला कल्टीवेटर लगा दिया गया है, और देखिए पूरी इसमें जड़ें दसी हुई हैं, सारी की सारी जड़ें देखिए जी कैसे बाहर आ रही हैं। बिल्कुल सारी जड़ें बाहर आ गई हैं, सारी जड़ें बाहर आ जाएंगी, एक भी जड़ अंदर नहीं रहेगी। और देखिए ये बिल्कुल 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 बंजर जमीन पे चल रहा है, वाह देखिए साफ जमीन पे चल रहा है, और जड़ें देखो कैसे बाहर आ रही हैं जी। ये दिखाइए सर, ये दिखाइए, कल्टीवेटर यहाँ से गए हैं, कल्टीवेटर जहाँ से गया है तो सर वहीं से उखाड़ देता है जहाँ से। बिल्कुल, इसको धरती बाड़ कल्टीवेटर बोलते हैं, और साथ में इंजन को बोलते हैं टर्बो इटालियन 7.5 HP। जी तो सर अब चौथी अटैचमेंट लगा, बिल्कुल चलेगी जी चौथी अटैचमेंट लगा। पहली बार दर्शकों के किसान भाइयों के सामने ये बिग प्लाव आया है, ये इतना बड़ा प्लाव है कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा भी इतना बड़ा प्लाव है, और इसमें एडजस्टमेंट भी हमने कर रखी है, ये इससे और भी चौड़ा हो सकता है, और तंग करना हो तो तंग हो सकता है। अब ये खाल कैसे बनाएगा, मेड़ मेकर कैसे बनेगा, अब खुद देखिएगा, मिट्टी कैसे लगाएगा दोनों तरफ, अब खुद देखिए। सर ये बीच में इसलिए लगाए गए हैं छोटे, ये बीच में कब्जे लगाए गए हैं, जब इसको तंग चौड़ा करेंगे ना हम तो इसके कब्जे अपने आप अंदर और बाहर हो जाएंगे। इसका काम देख लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल देखिएगा,
चलाइए। ये क्या क्या काम करता है सर? ये पहले तो मिट्टी लगाने के काम आता है, जैसे गन्ने में हमने मिट्टी लगाना है, ये मिट्टी ऊपर लगाता है जी। खासकर ये यूपी में गन्ना खासकर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मिट्टी लगाने की बड़ी परेशानी रहती है। तो जो मिट्टी लगाने के लिए इससे बेस्ट प्रोडक्ट और कोई भी नहीं है। और ये देखिए ये मिट्टी कितना लगा है इसमें, 11 इंच के तकरीबन ये मिट्टी लगाता है। अगर इसको और खोल दें या तंग कर दें, जितना तंग करते जाएंगे मिट्टी और बढ़ती जाएगी, जितना खोलेगा उसी हिसाब से ये बनता जाएगा। इसको मिट्टी लगाने वाला फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 10 से 11 इंच की मिट्टी लगी हुई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ना ही कोई पलाव काम करेगा और ना ही इतनी चौड़ी मिट्टी लगा पाएगा। आम जो पलाव होते हैं वो सारा 1 फुट में मिट्टी लगाता है, और ये इसने कितना लगाया है, 24 इंच। और अपने हिसाब से भी साइज छोटा बड़ा, अपने हिसाब से साइज और छोटा बड़ा हो सकता है। तो सर आप पांचवें को देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पांचवें अटैचमेंट लगाइए जी, डबल पलाव। डबल पलाव, दो पलाव इसमें लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक उसकी साइड लगा हुआ है। ये दो नाली बनाएगा, इधर भी नाली बनेगी, इधर भी नाली बनेगी, और साथ में बट बनेगी, दो बट इसकी तैयार होंगी। और आप देखिए कितने मजेदार चलेगा। काम क्या आता है, सब्जी वगैरह लगाने के? सब्जी लगा लो, गन्ना लगा लो, कुछ भी लगा लो, आलू लगा लो, हर चीज में काम आएगा जी। तो ये देखिए जो मैंने चूज की थी, देखिए अच्छे से देखिए, ये पीछे सेंटर में बेस का इसने ये बना दिया, बेड बना दिया है, और दोनों तरफ पानी के लिए नाली बन गई है, और उसके लास्ट में मिट्टी लग गई है। और ये देखिए जो जो बेड बना है, ये कम से कम 10 इंच से ऊपर है जी, जो बेड बना है एक ही बार में। और नाली इधर बन गई है पानी के लिए, नाली इधर बन गई है, और इधर मिट्टी चढ़ाने का भी काम हो गया। अगर इधर कोई सब्जी लगी हुई है या कोई और गन्ना लगा हुआ है तो इधर ये मिट्टी चढ़ाने के काम आ गया। सेंटर में हम मक्की बो सकते हैं, आलू बो सकते हैं, कोई भी ऐसी फसल बो सकते हैं जो इस बेड पे लगाई जाती है। देखो सर अब मतलब हमने 5 की 5 अटैचमेंट देख लिया जी, जी जी। तो अब मुद्दे की बात पे आएंगे। बिल्कुल मुद्दे की बात पे आएंगे जी। सर मुद्दे की बात ये है, अगर कोई हमारा किसान लेता है तो गारंटी वारंटी का क्या रहता है? राजा इंटरप्राइजेज में जिंदगी में कभी वारंटी नाम का शब्द यूज ही नहीं किया। गारंटी रहेगी, गारंटी रहेगी, गारंटी रहेगी। हमें पता है हमने कौन सी गुणवत्ता में इसमें पार्ट्स लगाए हैं। अगर अच्छे पार्ट्स लगे हैं तो ही इसकी हम गारंटी दे पा रहे हैं। कल को फिर भी आदमी है बीमार पड़ सकता है, मशीन भी बीमार हो सकती है, कोई पार्ट्स खराब हो सकता है। दिए गए नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी से 24 घंटे में वो सामान निकल जाएगा और उनके घर पे 4 या 5 दिन में वो सामान पूरे राज्य पूरे देश भर में कहीं से भी हो, 4 से 5 दिन में वो सामान उनके घर पे पहुंच जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुरियर का कोई चार्ज नहीं होगा, सामान का कोई चार्ज नहीं होगा। सामान पहुँचेगा कैसे? वो कुरियर के माध्यम से जाएगा। सर वो पहले भी कोई एडवांस में पैसे वगैरह देने पड़ते हैं? एडवांस में तो जी 5,000 रुपये जो कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है उसी हिसाब से, अगर हमने मशीन बुक करवानी है तो 5,000 रुपये कंपनी में पहले डालना होगा। जो भी आपने ये लेना है इसका स्क्रीनशॉट हमें भेजिए, हमें पता चल जाएगा कि आपने RX 111 मॉडल लेना है। नीचे लिख दीजिए सेल्फ वाला या विदाउट सेल्फ, हमको पता चल जाएगा जी आपने सेल्फ वाला लेना है या विदाउट सेल्फ लेना है। आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, उसके बाद आपने 5,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में राजा इंटरप्राइजेस के गूगल पे फ़ोन पे किसी में भी डाल देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है पेमेंट का। उसके बाद मशीन निकल जाएगी तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर। अगले दिन आपको बिल की कॉपी मिल जाएगी, उससे अगले दिन बिल्टी की कॉपी मिल जाएगी। आप खुद घर में बैठ के उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी मशीन कहाँ तक आ गई है। जब लास्ट राज्य में मशीन आपकी पहुँच गई तब कंपनी से आपको सूचना आ जाएगी कि आपकी मशीन राज्य में पहुँच गई है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गई है। उसके बाद आपने बाकी की जो पेमेंट है वो उसी अकाउंट में आपने डाल देनी है, राजा इंटरप्राइजेस के गूगल पे फ़ोन पे या बैंक अकाउंट में। तो उसके बाद हम मेल करेंगे कुरियर वाले को कि इनका सामान के पैसे आ चुके हैं, अब इनको डिलीवर कर दीजिए। 24 घंटों में वो सामान आपके घर पे आएगा, आपकी दहलीज तक आएगा। और सर बात अगर कीमत की करें तो कीमत क्या रहेगी? कीमत तो जी आपने बहुत सारा बदलाव किया है, कहीं कीमतें भी आसमान ना छू जाए? कोई कीमत आसमान नहीं छुएगी इस प्रकार से बदलाव करके। रेट मैंने फिर भी आपको इस पहले भी बताया था कि रेट इसके कोई ज़्यादा हमने बढ़ाए करे नहीं है, जायज रेट रखे हैं। जैसे कि ये मेरा सेल्फ वाला मॉडल है, ये सेल्फ स्टार्ट है और इसमें सेल्फ लगा हुआ पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसकी जो कीमत है वो 61,000 रुपये मैंने रखी है। ये बिना सेल्फ के है, इसकी जो कीमत रखी है वो मैंने 69,000 रुपया रखी है। मात्र 2,000 का फर्क है सेल्फ का,
पर इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये बैटरी साथ में नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि बैटरी ना ट्रांसपोर्टर लेता है, रास्ते में टूट फूट सकती है, गाड़ी को आग लग जाती है। 700-800 की ये मात्र बाजार से मिलती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, बैटरी साथ में नहीं दूंगा जी। और सर अटैचमेंट क्या आती है साथ हाँ, में? इसके बाद में ये सिंगल प्लाव पड़ा है, ये डबल प्लाव पड़ा है, ये कल्टीवेटर 3 फाल का है, ये लेवलर मेड़ा जिसे बोलते हैं ये है, और साथ में ये इजी टर्न है, ये इजी टर्न है। इसको क्या होता है कि रास्ते में कहीं घुमाना रहे तो उसको घुमाने की दिक्कत आती है, ये इजी टर्न लग जाते हैं, एक चक्का जाम हो जाता है, दूसरा फ्री हो जाता है, तो घुमाना आसान हो जाता है। ये 5 अटैचमेंटें मैंने यहाँ पे रखी हैं, इनमें से कोई भी 2 अटैचमेंट जो भी किसान चाहेगा वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में जाएंगे। 5 में से 2 अटैचमेंट जो भी उनका मन करेगा। और हमारे मन का क्या सर? आपके मन के साथ ही हैं जी, हम वो बाहर थोड़ी हैं। तो सर उनको भी तो डिस्काउंट, हमारी तरफ से भी कोई डिस्काउंट? देखिए आप इतनी दूर आ पाते हैं, हमारी वीडियो बनाते हैं, पहले तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको जहाँ पे आए हैं तो किसानों के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, किसानों के लिए हमने राजा इंटरप्राइजेज ने कभी भी मना नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई भी मशीन आप लेते हैं तो नेट 5,000 रुपये इसमें छूट दी जाएगी। जो भी स्क्रीनशॉट आपकी इस वीडियो का हमें भेजेगा 5,000 रुपये लस किए जाएंगे। जो भी हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट आपके पास भेजेगा वो उसमें 5,000 रुपये लस किए जाएंगे। जो मशीन मेरी 63,000 रुपये की है वो जो 61,000 की है सॉरी वो 56,000 रुपये में दी जाएगी। जो मशीन मेरी 69,000 की है वो मशीन 54,000 रुपये में दी जाएगी। तो सर एक संदेश और हो जाए हमारे किसानों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? संदेश तो मेरा यही है, बनिए खुद मुकद्दर का सिकंदर। किसी के हाथ में अपनी हस्तरेखा मत दीजिए, जो भी काम करना है वो खुद करिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करिए। मैं बस यही कहते हुए जय जवान जय किसान, जय हिंद जय जय राम। जय जवान जय किसान और जय जय राम, और मुकद्दर का सिकंदर बनते रहिए।